जो लोग अपने दुकान प्रतिष्ठान पर बैठे हैं उनका दायित्व है आप सभी को जो आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाएं तथा सैनिटाइजर करें, मार्च कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक में? देखिए, ये 26 तारीख को जनपद पीलीभीत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव आयोजित किया जाना है। ये फ्लैग मार्च के थ्रू जो भी वोटर्स है उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी के दबाव में आए अपने वोटिंग राइट का ये प्रयोग करें और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। कौन कौन शामिल हुआ है इस टाइम फ्लैग मार्च में आपके साथ? फ्लैग मार्च में हमें PSC का कुछ फोर्स मिला है चुनाव कराने का, हम लोग शामिल हैं, और सिटी सर्किल के थाने का फोर्स शामिल है, और पुलिस लाइन से कुछ पुलिस बल मिला है, ये सभी लोग शामिल है। CO सिटी साहब और SDM साहब भी साथ में मौजूद है। चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं आपकी अभी तक के? देखिए, चुनाव को लेके तैयारियाँ पुरजोर में चल रही है और हमें बाहर के जनपदों से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया है, तो इनकी ड्यूटियाँ लग चुकी है और फोर्स का ब्रीफिंग डिटेल में किया जाएगा। अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो भी ऐसे तत्व है कि जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव एक्शन 107, 16, 151, 110 जी ये सारी कार्रवाई प्रचलित है। जिनके पास अवैध शस्त्र है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनके पास लाइसेंस या असले हैं उनके असले चुनाव तक के लिए जमा कराए जा रहे हैं। जो अवैध रूप से शराब के धंधों में लिप्त है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है, और हमारा ये पूरा प्रयास है कि बिना किसी घटना के और हम बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराएंगे।